स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 2019 के करंट अफेयर की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन पहली बार ही हुआ है। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसका कि आयोजन 2008 से लगातार 11 नवंबर को होता है। भारत का जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो उसका आयोजन होता है 11 नवंबर को, किसकी याद में? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी की याद में 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसे वित्त तथा कॉरपोरेट मामले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को फाइनेंस तथा कॉरपोरेट मामले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यह प्रभार वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के पास था, लेकिन उनकी अभी सर्जरी हुई है, तो इसके लिए डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है। तो उनकी जगह पर अभी पीयूष गोयल ये पद, ये कार्यभार संभालेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका, गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आपको सबको पता होगा कि कौन मुख्य अतिथि इस बार है। इस बार मुख्य अतिथि है ऑप्शन सी, साइरिल रामाफोसा। साइरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ये इस बार जो गणतंत्र दिवस होने वाला है, कल जो गणतंत्र दिवस होने वाला है, उसमें मुख्य अतिथि ये होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है चेन्नई। ऑप्शन बी, चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रवासी दर्शन योजना, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में धार्मिक प्रवासियों के एक समूह को एक वर्ष में 2 बार भारत के धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाएगा। मतलब कि जो योजना अभी शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है? भारत में धार्मिक प्रवासियों के एक समूह को एक वर्ष में 2 बार भारत के धार्मिक स्थलों पर ले जाना, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आपका दूसरा विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019, इसका आयोजन हुआ है गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी। क्वेश्चन नंबर एट्थ, किस देश ने अमेरिका के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े हैं, मतलब तोड़ दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ अपने जितने भी राजनीतिक संबंध थे वो सबको खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को आपके दो यहाँ पर दिवस अब हो गए हैं याद करने को। पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दूसरा राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्वेश्चन नंबर टेंथ, किस देश के प्रधानमंत्री 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे? इसका राइट आंसर है मॉरिशस के। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत के 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि